अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू आप थंबनेल से देख चुके होंगे कि कौन सी भैंस लेनी चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, मीन के अच्छा दूध दे। इसके लिए हमारे साथ एक इंतहाई तजर्बाकार बंदा मोहम्मद बूटा साहब मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कौन सी ऐसी भैंस है जो ज़्यादा दूध देती है, मीन के लेते वक्त किस चीज़ का ख्याल? ज़्यादा माई दो देती जी, बैल दी लम्मी हो गए तो पिछला थान जड़े थोड़े लम्बे रहे होन, अगले छुटे रहे होन, अगो पिछों लिबास भी खाए, सिर निको होवे, मजी दा सिंगी भी निकी होवे, वो सोहनी लगदी, पेछा भारा होवे। अच्छा ते भैंस जेड़ी ओ पहलन चंगी होंदी या फिर पहलन दूजन? पहलन दूजन जी हां। ते इस लिहाज दे नाल भैंस दी किस्मां कितनी हैं? किस्मां दी त्रै चार हैं, एक किस्म है विचली डोग होंदी, एक को जी विचकारली, एक ही दी होंदियां दो त्राए, पर जिहड़ी विचकारी डोग हिकारी डोग वाली ओह दुध तो वध वेंदी ओह त्रिउ डोगां वाली तो। अच्छा जी, ते जरा थणा दे बारे सानूं को मालूमात दिओ कि केड़े थण खूबसूरत ते अच्छे लगदे? खूबसूरत अच्छे लगदे न जिहड़ा थण उत्तो मोटा ठुल्लो होवे ते हेठो चेंज वाला होवे पतला। ठीक हो गया, ते उवाने दे बारे भी थोड़ी मालूमात दे दो कि केड़ी माल दा उवाना किस तरह होवे? तो उवाना जेड़ा होवे थाण आपो आप बिथू थियो होनो, अगर थाण आपो आप बिथू थियो होन, अगो पिछो लिबास भी खाए माज जेड़ी, वो माज सोहनी लगदी, दूध भी ढेर देंदी जी। ठीक हो गया, ते तुसी दसो तुहाडा तजर्बा कितना मजी लैंदे? साडा 30-40 साल हो गया तजर्बा। अच्छा, ते ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਮੱਝੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਚੀਚਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਹ ਠੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਝੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਗਾ ਹੌਲਾ ਪੇਛਾ ਬਾਰਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਮੁੜ। अच्छा जी, ते तुसी अपने इलाके का नाम दस दे। मोहम्मद बूटा बदरू रत्तापुर रियाण जी। बहुत शुक्रिया, आपने जाना इंतहाई तजर्बाकार बूटे से जो कि 30-40 साल का तजर्बा रखते हैं भैंसों के बारे में। इंशाल्लाह ये मालूमात आपको ज़रूर काम आएंगी, और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल जैद सुल्तान एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। शुक्रिया।